शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन 31 मई को समाप्त होने की संभावना को देखते हुए शहर की जनता लापरवाह होती नजर आ रही है। अकारण घर से बाहर निकलकर घूमना, झुंड में खड़ा होना, शारीरिक दूरी का पालन न करना, कईयों को तो बिना मास्क के ही घूमते देखा जा सकता है। जनता का कोरोना कर्फ्यू की समाप्ति के प्रति उत्साह और लापरवाही की मंशा को भांपते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही कई अधिक मुस्तैद हो गया है। नौतपा के चलते भीषण गर्मी में भी शहर थाना TI सुमी देसाई अपने दल बल के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर पैदल घूम घूम कर लोगों को समझाइश दे रहे हैं, तो वहीं कुछ पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। वर्तमान में बैंकों में बेतहाशा भीड़ देखी जा रही है। बैंकों में कोरोना वायरस संक्रमण की गाइडलाइन का पालन ठीक से जनता के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते शहर थाना TI ने बैंकों में पहुंचकर लोगों को समझाया और साथ ही बैंक मैनेजर को बुलाकर व्यवस्थाएं बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने को कहा। विदिशा गंजवासुदा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आज देखने में आ रहा कितनी बैंक चेकिंग की प्रशासन द्वारा और जो आम लोग फालतू घूम रहे हैं उनके लिए ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? आज चार बैंकों की चेकिंग की गई है, सहकारी बैंक, SBI बैंक, BOI बैंक और ICICI बैंक, और बाकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। अनावश्यक घूमने वालों पे कम से कम 20 से 25 कार्रवाई हो चुकी है। सुबह से शाम तक पुलिस प्रशासन लगा हुआ है जनता की सेवा के लिए, फिर भी कुछ लोग अपनी बेवजह फालतू घूम रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई सख्त की जाए जो मानने लगे? ऐसे अनावश्यक घूमने वाले लोगों पे अब चालानी कार्रवाई की जाएगी। और पहले तो समझाइश दे के छोड़ दिया जाता था, लेकिन समझाइश देने के बाद भी अभी मान नहीं रहे, सब चालानी कार्रवाई की जाएगी। अभी कितने चालान काटे हैं? अभी 20 से 25 चालान हो चुके हैं। बैंकों में भीड़ देखी जा रही है, तो इस संबंध में बैंक मैनेजर को हिदायत दी गई है प्रशासन की? बैंक मैनेजर को बुलवा कर समझाइश दी गई है कि इस तरह की भीड़ भाड़ न लगाएं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए निर्देशित करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।